कोरोना वायरस के एक और वेरिएंट ओमिक्रॉन B7 ने एक बार फिर दुनिया में दहशत फैला दी है। ये वेरिएंट काफी घातक है और चीन में महामारी की तरह फैला है। हालांकि चीन कोरोना के आंकड़ों को छुपा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो बयान आया है उससे साफ हो गया है कि चीन में फैले इस महामारी से जुड़ी सही जानकारी चीन छिपाता आ रहा था। WHO के स्वास्थ्य आपात कार्यक्रम के कार्यकारी निर्देशक माइकल रयान ने कहा कि चीन में कोविड मामलों की अपेक्षाकृत कम संख्या की सूचना दी गई है, लेकिन वहां के अस्पतालों के ICU मरीजों से भरे हैं। हालांकि चीन ऐसा पहली बार नहीं कर रहा है, बल्कि उस पर हमेशा से इस तरह की जानकारी छुपाने के आरोप लगते आए हैं। चीन में फैला संक्रमण कितना घातक है, इसको लेकर अमेरिका के महामारी विशेषज्ञ एरिक फेगल डिंग ने बताया कि आने वाले 90 दिनों में चीन में 20 लाख लोगों की मौत हो सकती है। इसके अलावा 80% जनसंख्या कोरोना संक्रमित हो सकती है। बता दें कि चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने 20 दिसंबर को कहा कि देश में कोरोना के 3,83,175 मामले सामने आए हैं। वहीं अस्पतालों में मरीजों की संख्या में लगभग 95,000 तक की बढ़ोतरी हुई है। वहीं इस महामारी को लेकर कई देशों से आ रही खबरें भी चिंताजनक हैं। चीन के बाद अमेरिका, ब्राजील, जापान और कोरिया में कोविड के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसे देख ऐसा लग रहा है कि कोरोना महामारी के तीसरी लहर की दस्तक आ चुकी है। WHO की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार चीन के बाद पूरे विश्व में कोरोना के मामलों में सबसे ज्यादा उछाल जापान में दर्ज किया गया है। वहां इस दौरान 8,74,704 मामले दर्ज हुए हैं। वहीं कोरिया में 4,65,074 केस सामने आए हैं। इसके साथ ही पिछले 7 दिनों में अमेरिका में कुल 4,45,424 मामले सामने आए। फ्रांस में पिछले 7 दिनों में 3,56,032 मामले मिले हैं। जर्मनी में पिछले 7 दिनों में कुल 2,08,951 मामले आए। ब्राजील में पिछले 7 दिनों में कुल 3,01,293 मामले सामने आए हैं। इटली में पिछले 7 दिनों में कुल 52,793 मामले सामने आए और ब्रिटेन में पिछले 7 दिनों में 9,013 मामले रहे। वहीं बात करें पूरे विश्व की तो अब तक कुल 65,03,32,899 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। वहीं पिछले 7 दिनों में 34,45,243 मामले सामने आए, जिसमें 10,076 लोगों की मौत हो गई है।